आप में से भी किसी बच्चे को मैं खड़ा करके सही भी दे सकता हूँ। मम्मी सर, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैडम, आपने क्या सीखा? ठीक है, मैं जरा सा आपसे सबसे पहले ही बात करूँ ताकि सबको समझ आ जाए। देखिए, पानी की समस्या हमारे देश में इतनी बेहतर बन चुकी है कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान जैसी, बंगाल जैसी कई स्टेटें ऐसी हैं जहाँ का वाटर लेवल इतना डाउन हो चुका है कि कई गांव जो हैं वो पलायन कर रहे हैं इसी कारण कि उन गांव में पानी नहीं है। और अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो पानी के कारण हज़ारों गांव इंडिया के पलायन कर चुके हैं और वो शहर की तरफ जाते हैं मजदूरी करने के लिए। वो सारे गांव खंडर बन चुके हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि वहां पे पानी नहीं है और पानी का वाटर लेवल जो है वो दिन में दिन नीचे जा रहा है। क्योंकि हमारे हमारी पृथ्वी में आपको लगता है इतने बड़े बड़े समंदर हैं, इतने कुएं हैं, इतनी नहरें हैं, इतनी बरसातें हो रही हैं, इतनी फ्लड हो रहे हैं, लेकिन इतना पानी है तो पानी के लिए इतनी क्यों इतने सेमिनार किए जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि पानी बचाएं जब इतना पानी अवेलेबल है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारा पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 2% के आसपास ही है। हालाँकि 1% उसको बताया जा रहा है, 2.5% उसको जो वर्ल्ड का रिसर्च जो कहती है वो कहते हैं कि 2.5% हमारे पास पानी पीने योग्य मतलब है, लेकिन उनमें से जो पीने योग्य है मतलब 1.5% या तो दूषित है या तो मतलब दूषित अब क्यों है, जैसे आपने देखा पंजाब का पानी पीने योग्य नहीं है। कारण क्योंकि जो पंजाब में जो पानी है इतना खेतों में यूरिया पड़ चुका है, इतना पेस्टिसाइड प्रयोग हो चुका है कि वो सारा पेस्टिसाइड पानी में मिल चुका है। इसलिए पंजाब का पानी इंडिया में सबसे बुरी स्टेटों में से एक स्टेट है, यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं रहा। इवन की जो हमारे नवाचार जो बिछना है जम्मू का पानी, अभी उसकी रिसर्च हुई थी, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे किडनी में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत आई क्योंकि पानी पीने योग्य नहीं है। तो पानी वो दूषित हो चुका है, तो पीने योग्य पानी हमारा बहुत कम है, ये भी एक कारण है। दूसरा, इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जैसे मैंने बात की कि असम, पंजाब और बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, ये स्टेटें वो हैं यहाँ पे पानी का जो स्तर है वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, या जैसे पंजाब जैसे स्टेट में तो दूषित हो रहा है। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग की, जैसे मैडम ने बात की, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक तरीका ये है कि अभी बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में भी हम कहते हैं वाटर स्टोरेज एंड जो आपको लगता है वो अलग अलग काम है, हो सकता है आप टैंक लाओ भरो आपको टाइम ना मिले, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम इतना ही एक प्रयोग कर दें कि बारिश के दिनों में बारिश के पानी से हम बर्तन धो लें, बारिश के पानी से हम नहा लें, बारिश के पानी को ही हम अपने घर की सफाई के लिए प्रयोग करें जबकि हम वो भी नहीं कर रहे, अगर हम ऐसा भी करें तो करोड़ों टन वाटर जो है, जो गैलन है, वो हमारे सेव हो सकता है। मतलब इन बारिश के दिनों में हम अगर सारे बच्चे ये प्रण कर लें कि हम बारिश के मौसम में बारिश के पानी से ही नहाएंगे, अपने छत पे अपने रात को बाल्टी रख दी बारिश का मौसम है, तो आप देखो कितने बच्चे आपके स्कूल में, कितने बच्चे 200 से ऊपर है, 300, और आप एक बाल्टी पानी रोज का प्रयोग करते हो, करते हो या दो बाल्टी नहाने में, गर्मियों के दिन है तो ज़्यादा फैलते हो, सर्दी में कम प्रयोग करते हो, तो कितनी बाल्टी पानी हो सकता हुआ फिर 300 बाल्टी लगभग। अगर आप अपने परिवार वालों को मोटिवेट करोगे तो 300 विल भी मल्टीप्लाई, कितने आपके घर में मेंबर हैं, 5, तो 300 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 1500, तो 1500 बाल्टी आप ही मतलब बचा सकते हो। एक बाल्टी में होता है मिनिमम 15 लीटर, 15 लीटर मल्टीप्लाई 1500, इतना पानी आप यूं ही सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब आप सुबह मतलब जब आप देखते हैं हम जब नहाते हैं तो पानी कम सही जा नहाते हैं, देखो अभी की बातों की बात कर रहा हूँ, जब गर्मी में पानी नहीं होता है तब भी हम नहाते हैं कितना पानी हमारा वेस्ट होता है। इवन कि कई बार हमने देखा कि हम लास्ट में आधा आधा बाल्टी पानी फेंकते ही हैं, तो एक तो अपनी सेव जितना पानी हमें चाहिए उतना ही, नल कितने हमारे खुले पड़े होते हैं, कितनी पाइपें हमारी यहाँ फटी पड़ी होती हैं, होती है ना, उनमें लीकेज होता है। तो हमारा काम है कि या तो हम कंसर्न आर्मी को बताएं, अपने लोकल सरपंच
अपने सब आप अपना समूह बनाओ कि ये पाइप जो है इसको बंद करें, ठीक है। गांव के जो आपके बड़े हैं उन तक समस्या पहुंचाई जाए। हमारे एक रिसर्च हुई थी, उसमें मेरे पास नंबर अभी नहीं है, उसमें करोड़ों टन पानी बता रहे थे कि सिर्फ इंडिया में लीकेज में ही जा रहा है। हमने देखा ना कई जगह लीकेज होती है, तो इतना पानी लोग पीते नहीं है जितना पानी लीकेज है। दूसरा, जब आप जैसे घर में आपके मम्मी डैडी घर में बर्तन धोते हैं और थोड़ी चावल हम वो करते हैं पका बनाते हैं, चावल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, उसमें भी कितने बाल्टियाँ पानी होता है, देर यू कैन यूज इन चेंज। उसके बाद बर्तन भी जितने ज़्यादा बर्तन, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनमें रिसर्च कह रही है कि छोटी छोटी बातें हैं जो हम घर पर चार पाँच बाल्टियाँ होते हैं कम कर सकते हैं। हम घर में बर्तन जितने ज़्यादा दूसरे गंदे करेंगे, कम बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो कम पानी लगेगा, क्योंकि हम दो तीन बाल्टी तो बर्तन साफ करने में लगा देते हैं। इसके साथ जब आप सुबह ब्रश करते हो तो हमने देखा कि ब्रश करते हुए भी कई बार आज टूटी चलती रहती है, नल चलता रहता है या बाल्टी की बाल्टी पानी आप यूज़ करते हो, उसमें भी आप लिमिटेड पानी को यूज़ कीजिए। तो ये हमारी कुछ मोटी मोटी ऐसी बातें थी जो हम रियल लाइफ में आसपास हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जब लाइट होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ जो इंटरनेशनल वीडियोस हैं जिनमें आपको वाटर की क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, वो भी मैं आपको दिखाने में मदद करूँगा। अगर लाइट आज आ जाती है तो जाने से पहले पहले मैं आपको जो वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके पास इंटरनेट हो, मोबाइल सबके पास है, वाटर डॉट ओ आर जी करके जाओगे तो वहाँ आपके बहुत सारे वीडियोस और वाटर के बारे में क्या क्या हमारे क्राइसिस हैं और कई वाटर को जो कंजर्व करने के जो तरीके हैं वो आपको पता लगेंगे। टाइम मिला तो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। धन्यवाद।